हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी हियर। जितने भी लोग यहाँ पर लाइव आ चुके हैं, आप सभी का क्लास में वेलकम है। प्रदीप, शवि, प्रियंका, शोभा, धर्मेंद्र, मीनाक्षी, अर्जुन, विराट, कुलदीप, कल्पना, एकपर्णिका, रोहिणी, रेखा, आप सबका क्लास में वेलकम है। और आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट है ये, प्रैक्टिस सेट आपकी, इसमें 20 क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रामर के हैं, बाकी जो क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस हैं वो लिटरेचर पोर्शन से हैं। लिटरेचर पोर्शन आपका कॉमन है, यानी लिटरेचर पोर्शन आपका नेट के भी हिसाब से है, लिटरेचर पोर्शन आपका केवीएस के अकॉर्डिंग भी है। लिटरेचर पोर्शन और ग्रामर दोनों का ये कॉम्बिनेशन है प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। लेवल थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं ना कि जो लेवल है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेवल थोड़ा सा हार्ड लेवल है। ट्राई कीजिएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। श्वेता जी, क्लास का टाइम मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, फिर भी आप शायद कंफ्यूज हो गई थी। तो क्लास की लिंक जब शेयर करी थी तभी मैंने मेंशन कर दिया था कि क्लास 6 PM पर होगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लास में आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एक पणिका जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। ओके श्वेता, अपनी बेटी का जो भी नाम है पहले तो आप नाम बताइए, फिर मैं उन्हें भी हेलो बोलूंगी, अपना नाम सुन के वो खुश हो जाएगी। वेरी गुड इवनिंग रोहिणी, वेरी गुड इवनिंग जैनेन्द्र। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है लिटरेचर पोर्शन से है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म टाइप के क्वेश्चंस भी हैं कुछ, जो कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। किसी सिलेबस, पर्टिकुलर सिलेबस पे, सिलेबस में बॉन्ड नहीं है ये। और लास्ट ईयर GIC का जब मैंने क्लास लिया था तो इस तरह के क्वेश्चंस, ये सारे मूवमेंट्स जो हुए थे मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न एरा में ये सारे मूवमेंट्स हुए थे, वो सारे मूवमेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। वो क्लास पब्लिक क्लास थी, ठीक है। तो एन आर्टिस्टिक अटेम्प्ट टू ब्रिज टूगेदर रियालिटी एंड इमेजिनेशन इज कॉल्ड, ये एक क्वेश्चन है मूवमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, लिटरेरी मूवमेंट पर। और आपको बताना है कि एन आर्टिस्टिक अटेम्प्ट टू ब्रिज टूगेदर रियालिटी एंड इमेजिनेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, सरिलिज्म या फिर रियलिज्म। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, थोड़ा सा हार्ड लेवल पर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, लेकिन आप कोशिश करिए। हेलो श्रेया, हाउ आर यू बेटा, वेरी गुड इवनिंग हनी। रोशनी, वेरी गुड इवनिंग। ओ थैंक यू रोहिणी। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको बताना है कि एन आर्टिस्टिक अटेम्प्ट टू ब्रिज टुगेदर रियालिटी एंड इमेजिनेशन इज कॉल्ड। ऑप्शंस आपके सामने है एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, सरियलिज्म, रियलिज्म, ठीक है। तो चलिए, यस वेरी गुड, आंसर आप लोगों के आ रहे हैं और बहुत अच्छा। प्रदीप, शोभा, गुड, पहले आंसर दिया आप लोगों ने। तो ये देखो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा सरियलिज्म, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? सरियलिज्म होगा, सही आंसर आपका सरियलिज्म। ये जो है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, यानी एन आर्टिस्टिक अटेम्प्ट टू ब्रिज टुगेदर रियलिटी एंड इमेजिनेशन इज कॉल्ड सरियलिज्म। इसके अगर बात करें पायनियर की तो एंड्रे ब्रेटन्स मैनिफेस्टो थी उनकी, एक बुक थी सरियलिज्म पे, 1924 में आई थी और उसमें उन्होंने इसकी बात करी है, ठीक है। तो डाडेज्म के बाद में ये सरियलिज्म आया था और इम्पोर्टेंट है, आप इसका नाम याद रख लीजिए, ठीक है। इसका नाम याद रख लीजिए, एंड्रे ब्रेटन का, ये पायनियर माने जाते हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं ब्रेटन के अलावा, जैसे लुईस एरगोन है, सेल्वाडोर डाली है, ठीक है, तो ये भी हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। कभी कभी डेलन थेमस या हेनरी मिलर का नाम भी इसमें आ जाता है। तो सरियलिज्म इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जिनका भी आंसर सी था, वेरी गुड, वेल डन, क्वेश्चन हटके था, तो जिन्होंने भी आंसर सी किया है, वेल डन। आई एम वेरी फाइन संतोष, अच्छी बात है श्वेता। तो चलिए, द वर्ड बिल्डंग्स रोमन कम्स फ्रॉम एंड इज अ कंपाउंड ऑफ द वर्ड्स बिल्डंग्स मीनिंग बिल्डिंग और फॉर्मेशन एंड रोमन मीनिंग अ नोवेल, इटालियन, ग्रीक, लैटिन, जर्मन। देखिए क्वेश्चंस मैंने ऐसे सेट किए हैं कि सारे ही एग्जाम में देने वाले लोगों के लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, इटालियन, ग्रीक, लैटिन, जर्मन। आपको बताना है ये जो बिल्डिंग्स रोमन शब्द है, ये इटालियन, ग्रीक, लैटिन, जर्मन किस लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। आपको बस इतना सा क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। द वर्ड बिल्डिंग्स रोमन कम्स फ्रॉम एंड इज अ कंपाउंड ऑफ द वर्ड बिल्डिंग्स मीनिंग बिल्डिंग और फॉर्मेशन एंड रोमन्स मीनिंग अ नॉवेल, इटालियन, ग्रीक, लैटिन, जर्मन।
तो चलिए, यस प्रदीप, रोहिणी, संजय, शोभा, गुड, वेरी गुड। देखो, एक जर्मन फिलोलॉजिस्ट थे, जोहान कार्ल सिमोन। ठीक है, तो ये जो थे, इन्होंने बिल्डंग्स रोमन की डेफिनेशन दी थी अर्ली 1800 में, और इसको पॉपुलर किया था 1900 में। ठीक है, तो ये जर्मन कह सकते हैं फिलोलॉजिस्ट थे, और इसको कहा जाता है कमिंग ऑफ एज स्टोरी भी। क्या कहा जाता है? कमिंग ऑफ एज स्टोरी। ठीक है, कमिंग ऑफ एज स्टोरी कहा जाता है क्योंकि ये फोकस किस पे करता है? फोकस करता है यंग एडल्ट ग्रोइंग मॉरली एंड साइकोलॉजिकली इनटू एन एडल्ट। ठीक है, छोटा बच्चा मॉरली और साइकोलॉजिकली या फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली दोनों तरह से जो ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं बिल्डंग्स रोमन। ठीक है, अगर बात करें तो डेविड कॉपरफील्ड हो गई या फिर जेन आयर हो गई, शार्लोट ब्रांटे की, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं, तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट होता है, बिल्डंग्स रोमन से क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के पढ़ना पड़ेगा, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़े। मैच द पोयम विद द ओपनिंग लाइंस। इधर ओपनिंग लाइंस लिखी हुई है, इधर पोयम्स लिखी हुई है। ठीक है, ओड टू साइकी, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन मेलंकली। आपको पता है कि ये सारी पोएम्स किसकी हैं? ये सारी ओड्स हैं जॉन कीट्स की। इधर ओपनिंग लाइंस लिखी हुई हैं, आप ओपनिंग लाइंस अगर पढ़ते हैं, पोएम पढ़े हुए हैं, तो आप आसानी से मैच कर लेंगे। मैच करना है, माई हार्ट एकेस एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, माई सेंसेस एज दो ऑफ हेमलॉक, आई हैड ड्रंक। ये पहला ऑप्शन था। सेकेंड था, नो नो गो नॉट टू लीदे, नीदर ट्विस्ट वुल्फ्स बेन, टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन। थर्ड वन, दाउ स्टिल अनरेविस ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। फोर्थ वन, ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स बाय स्वीट इनफोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर। ये फोर ऑप्शन है। ठीक है, यानी ये चार आपको मैच करने, ऑप्शन इधर है। ठीक है, पहले का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। ये है डी का सेकेंड है यहाँ पे। ठीक है, इसको सेकेंड कर लो, डी का सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या होगा, सही, ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड। ये सेकेंड है, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं जहां पे सेकेंड कर रही हूँ आप ध्यान देना, ये मैं येलो से कर दे रही हूँ। ठीक है, सेकेंड डी का फर्स्ट। थर्ड वन है, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको सही करना पड़ेगा। थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ, एंड फोर्थ वन, फोर्थ। ठीक है, डी का सेकंड हो गया, ये थर्ड है और ये फर्स्ट है। तो ये थोड़ी सी यहां पर मिस प्रिंटिंग हो गई है इस वाले क्वेश्चन में। आप लोग अपने हिसाब से बता दीजिए, मैं देख लूंगी इसको। चलिए देखिए, ओड टू साइकी, ठीक है, इसको हम लोग मैच कर लेते हैं, इसको नहीं देखते हैं, इसके आंसर को, इसको हम लोग ऑलरेडी ऐसे मैच कर लेते हैं। ओड टू साइकी का पहला लाइन है, ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स, यानी ये आपका ए में है। ठीक है, हम लोग इधर से मैच कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इसको मैं सही करवा दूंगी। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, बी वाला जो है ये आपका इस नंबर पे आ रहा है, यानी ये आपका बी पे आ रहा है, थर्ड वाला। ठीक है, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। जो भी ऑप्शन यहाँ पे लिखे थे वो आप मैच कर लेना। ओड टू अ नाइटिंगल, ठीक है, थर्ड वाला है। माई हार्ट एकेज एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन, माई सेंसेस एज दो ऑफ हेमलॉक, आई हैड ड्रंक, ये आपका आ रहा है थर्ड नंबर पे, सी वाले पे आ रहा है। एंड ओड ऑन मेलंकली की ये लाइन है, नो नो गो नॉट टू ली दे, नीदर ट्विस्ट वॉल्फ बेन, टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन, ये आपका डी पे आ रहा है, यानी फर्स्ट वाला जो ए है वो आपका फोर्थ नंबर पे जा रहा है, बी वाला जो ओड ऑन ग्रेसियन अन है वो आपका थर्ड नंबर पे जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये कोड सही नहीं है, कोड आप देख लेना। ठीक है, कोड आप सही कर लेना,
मैं इसको सही प्रिंट करवा, सही टाइप करवा के आप लोगों को सेंड कर दूंगी, मैं इधर से मैच कर दे रही हूँ। ओके नेक्स्ट है, व्हाट पोएट्री मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद विलियम कार्लस विलियम? ऑप्शंस हैं आपके सिंबोलिज्म, क्यूबिज्म, सरेलिज्म, इमेजिज्म। विच व्हाट पोएट्री मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद विलियम कार्लोस विलियम? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है विलियम कार्लोस विलियम जो कि एक फॉरमोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट हैं, ठीक है, और काफी यूनिक स्टाइल में लिखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेस के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, इनकी एक पोयम है द रेड व्हील बैरो। ठीक है, ये पोयम है इनकी, मॉडर्न पोएट है ये, और आपको बताना है किससे ये रिलेटेड है। चलिए, तो यहां पर देखो ये किससे रिलेटेड है, इमेजिज्म से। वेरी गुड, इमेजिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, इमेजिज्म से। ये क्या करते हैं, ये शब्दों के थ्रू क्या करते हैं, शो करते हैं थ्रू द वर्ड्स। क्या करते हैं ये, शो करते हैं थ्रू द वर्ड्स। ये कहते नहीं है ही डोंट टेल, बल्कि क्या करते हैं ये, शो करते हैं, इमेज दिखाते हैं अपने पोयम में। तो दैट इज कॉल्ड इमेजिज्म। इमेज जो पोयम को पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक इमेज इमेज क्रिएट क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इमेजिज्म। और इसके लिए ये फेमस है, विलियम कार्लस विलियम, ये एक मॉडर्न पोएट है, मॉडर्निस्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, किससे बिलोंग करते हैं, मॉडर्निस्ट से। नेक्स्ट है, व्हाट वर द एम्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट? ठीक है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का एम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शंस आपके पास हैं, टू सपोर्ट द स्टेट अथॉरिटी ओवर चर्च, टू रिनिवेंट द डिग्निटी ऑफ चर्च, टू रिस्टोर द ओल्ड कस्टम ऑफ द चर्च, टू इनकरेज लिबरलिज्म इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एसोसिएट करता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है 1840s में कई सारे लोग थे। और चलिए, अब अभी आपको बताना है कि ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हुआ था तो ये किस चीज पर फोकस करता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने, और आपको बताना है किस चीज पर ये फोकस करता है। जी धर्मेंद्र, बस वही एक क्वेश्चन था जैनेन्द्र, जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइप करना था इसलिए इसमें फॉन्ट छोटा करना पड़ा। तो चले, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की, तो ये एसोसिएटेड था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से एसोसिएटेड था, जो कि रीइंस्टॉल स्टेटमेंट की बात करता है सम ओल्डर क्रिश्चियन ट्रेडिशन का। ठीक है, फेथ और उनका इंक्लूजन इनटू एंग्लिकन लिटरेजी एंड थियोलॉजी, यानी किसकी बात करता है, ये बात करता है ओल्ड कस्टम ऑफ द चर्च की। ठीक है, टू रिस्टोर द ओल्ड कस्टम ऑफ द चर्च, वो क्या रहा था, उस समय बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो रोमन कैथोलिसिज्म में चेंज कर लेंगे खुद को एंग्लिकन से। तो यहाँ पर टू रिस्टोर ओल्डर कस्टम ऑफ द चर्च को, यहाँ पर फिर से जो चर्च के पुराने फेथ और जो उनकी लिटर्जी थी या थियोलॉजी थी, उसको रिस्टोर करने की बात करी है। उनका कहना क्या है, उनका कहना है कि वन होली कैथलिक एंड एपस्टोलिक। ठीक है, नेक्स्ट वन है, हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग आर पार्ट प्रैक्टिशनर ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शन जेनरा? डिटेक्टिव फिक्शन, ठीक है, डिटेक्टिव फिक्शन क्या था, जैसे आप शार्लक होम्स को पढ़ते हो तो वह डिटेक्टिव फिक्शन है। तो आपको यहाँ पर बताना है ग्रुप, आपको बताना है कि ये जो आपके सामने राइटर्स के नाम लिखे हुए, इसमें से कौन सा ग्रुप सही है डिटेक्टिव फिक्शन प्रैक्टिशनर के लिए। ठीक है, अगाथा क्रिस्टी, आर्थर कैनन डायल, फ्रांसिस बैकन, मार्गरेट एटवुड, ग्राहम ग्रीन, इयान फ्लेमिंग, जीके चेस्टर्टन, एडगर एलन पो, जॉर्ज इलियट, अगाथा क्रिस्टी, एडगर एलन पो, विल्की कॉलिंस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है, कौन सा ग्रुप जो है वो सही है।
तो डिटेक्टिव फिक्शन क्या होता है? डिटेक्टिव फिक्शन होता है ऐसी राइटिंग होती है जहां पर कोई डिटेक्टिव जो क्या करता है, किसी क्राइम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक परफेक्ट क्राइम होगा, अच्छा खासा, बिल्कुल जहां पे कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। रॉन्गली अक्यूज सस्पेक्ट होगा, किसी और पे आपको डाउट होगा कि पक्का यही इसने ही मर्डर किया होगा, ठीक है। इविडेंस भी आपको मिलने लगेंगे कि पक्का इसी ने क्या किया है, मर्डर किया है। जो पुलिस होगी थोड़ा सा दिमाग उसका कम काम करता होगा, डिम विटेड पुलिस होगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और सुपीरियर माइंड के लिए एक अच्छा ऐसा खासा डिटेक्टिव होगा जिसका ऑब्जर्वेशन इतना सटीक होगा कि वह सही क्रिमिनल का पता लगा लेगा, रिवील करेगा असली कल्प्रिट को। तो ये डिटेक्टिव नॉवेल होता है इस तरह का, और इसमें सही आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन डी है, अगाथा क्रिस्टी, क्वीन मानी जाती है मिस्ट्री की, एडगर एलन पो, ठीक है, एंड विल्की कॉलिंस। इनके अलावा और कौन लोग थे? इनके अलावा थे जीके चेस्टर्टन, लेकिन ये ग्रुप सही नहीं है इस वजह से यहाँ पे हमने नहीं लिया। इसके अलावा और कौन है? आर्थर कैनन डॉयल भी है, लेकिन ये ग्रुप जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये यान फ्लेमिंग भी है इसमें, इसके अंदर आते हैं, ग्राहम ग्रीन भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्गरेट एटवुड नहीं आती थी, ठीक है, यहाँ पर जॉर्ज इलियट नहीं आते हैं। तो इस तरह से ग्रुप, यहाँ फ्रांसिस बैकन नहीं है, तो ये वाला ग्रुप सही नहीं है। ये वाला ग्रुप बिल्कुल सही है, एडगर एलन पो, विल्की कॉलिंस, अगाथा क्रिस्टी का। इसके अलावा आपके कौन है? ग्राहम ग्रीन ही, यान फ्लेमिंग भी है, ठीक है। ये लोग भी क्या करते थे? डिटेक्टिव नॉवेल ही लिखते थे। वॉट एटीट्यूड टूवर्ड्स डेथ वुड यू फाइंड इन सच पोएम्स एज टेनिसन क्रॉसिंग द बार, आपने पढ़ी हुई है, विटमैन्स डेथ कैरोल एंड किपलिंग्स लेन हुई। तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और आपको बताना है व्हाट एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ वुड यू फाइंड इन सच पोएम्स एज टेनिसन क्रॉसिंग द बार, विटमैन्स डेथ कैरोल एंड किपलिंग्स लेन हुई। ऑप्शंस आर होप, ठीक है, रिसिग्नेशन, रिजिग्नेशन, डिस्पेयर, प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरह का आपको किस तरह का एटीट्यूड देखने के लिए मिलता है। वेरी गुड इवनिंग शिखा। यस धर्मेंद्र, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रिलीजियस मूवमेंट था। कोई बात नहीं शावी, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप ध्यान दो, कभी कभी लेवल अच्छा करता है तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत सारे बच्चों को नेट केवीएस देना है, तो नेट के लिए बहुत ही अच्छा ये सीरीज है, केवीएस के लिए ग्रामर आपको अच्छी मिलेगी। यस वेरी गुड, क्रॉसिंग द बार आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो क्रॉसिंग द बार पढ़ के आपको एक चीज तो समझ में आई है कि होप की बात हो रही है, ठीक है, अनदर वर्ल्ड में जाकर के अच्छा करने की बात हो रही है, तो होप वाला एटीट्यूड हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। वेरी गुड, नेक्स्ट है, बुक्स वर सेल्डम जज ऑन देयर मेरिट्स, द प्रेज और ब्लेम बीइंग जनरली अवॉइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ देयर ऑथर्स, अबाउट विच पीरियड इज जॉन डेनिस टॉकिंग, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड था, 20th, 19th, 13th, 17th सेंचुरी, कुछ भी हो सकता है वो पीरियड। उस पीरियड में बुक्स के बारे में लिखा हुआ है, जॉन डेनिस ने लिखा है कि बुक वर सेल्डम जज्ड ऑन देयर मेरिट्स, कभी कभी शायद अपनी मेरिट्स पे जज की जाती थी, बल्कि किस पे जज की जाती थी? ऑथर के पॉलिटिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। नीलम मैंने बहुत पहले ही ग्रुप में भेज दिया था, ठीक है, टाइम भी मेंशन कर दिया था। यस वेरी गुड धर्मेंद्र, गुड इवनिंग यामिनी। तो जल्दी से आप आंसर करिए। ऑप्शंस है 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 8, यस वेरी गुड, 18th सेंचुरी, गुड, ठीक है, 18th सेंचुरी की ये बात है, ठीक है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑथर्स, गुड। नेक्स्ट वन, बर्लास पैरोडी एंड ट्रेवेस्टी, वॉट इज कॉमन अमोंग दीज थ्री फॉर्म्स, दीज टर्म्स आर द लिटरेरी फॉर्म्स ओरिजिनेटेड बाई अ कॉमन राइटर, आर वेरियस फॉर्म ऑफ सटायर, कॉमनली अकर इन द नॉवेल अलोन, ठीक है, नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। बर्लास पैरोडी
एंड ट्रेवेस्टी, व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग दीज थ्री फॉर्म्स? चलिए फटाफट से आंसर करिए। यस वेरी गुड। पैरोडी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि सटायर के बारे में बात हो रही है, और वेरियस फॉर्म ऑफ सटायर। वेरी गुड। सो द नेक्स्ट वन इज, प्लेटो सेंसर्ड पोएट्री बिकॉज ही बिलीव्ड इट एलिमिनेट्स द ईगो, प्रमोट सेंसुअलिटी, डिस्टॉर्ट रियलिटी, क्रिपल्स द इमेजिनेशन। प्लेटो ने मदर ऑफ लाइज कहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी रीजन था जिसकी वजह से उसने पोएट्री को सेंसर्ड करने की बात करी है, ठीक है। तो प्लेटो सेंसर्ड पोएट्री बिकॉज ही बिलीव्ड इट इलिमिनेट्स द ईगो, प्रमोट सेंसुअलिटी, डिस्टॉर्ट्स रियलिटी, क्रिपल्स द इमेजिनेशन। तो सही आंसर देखें यहां पर क्या होगा, प्रमोट सेंसुअलिटी, ठीक है। प्लेटो ने सेंसर्ड किया था, उनका मानना था कि ये क्या करता है, सेंसुअलिटी को प्रमोट करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। उनका क्या मानना था, रिपब्लिक बुक थी प्लेटो की, ठीक है, और उसमें उनका मानना था कि पोएट्स हैव नो प्लेस इन एन आइडियलिस्ट स्टेट, ठीक है, दे स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन एंड करप्ट द यूथ्स माइंड। ये उनका मानना था, ठीक है। उनका मानना था क्या कि बिल्कुल वो पसंद नहीं करते थे, उनका मानना था पोएट्री इज इमोरल, ठीक है, पोएट्री क्या थी, इमोरल थी उनके अकॉर्डिंग, तो इसी वजह से वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनका व्यू जो था वो मानते थे फिलोसफी इज बेटर देन पोएट्री, ठीक है, बिकॉज फिलोसफर डील्स विद आइडिया ट्रूथ, वेयर एज पोएट डील्स विद व्हाट अपीयर टू हिम इल्यूजन और सेंसुअलिटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल बाय वी एस नेपल इज सेट इन अफ्रीका एंड कैरीज इकोज ऑफ जोसेफ कॉनराड। चलो 10th वाले में देखिए, आपको सही करना पड़ेगा, खुद को सही कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय वी एस नेपल इज सेट इन अफ्रीका एंड कैरीज इकोज ऑफ जोसेफ कॉनराड। जोसेफ कॉनराड को आप जानते हैं, गॉल्स वर्दी के फ्रेंड थे, उनसे मिले थे। वी एस नेपल को भी आप जानते हैं, जीआईसी के लिए आपने पढ़ाई करी थी। तो यहाँ पर वी एस नेपल की बात हो रही है कि वी एस नेपल्स इंडिया एंड माइंड, यानी म्यूजिकल का एक वर्क भी है। तो यहाँ पर उन्होंने एक नॉवेल लिखी है जिसमें अफ्रीका में सेटिंग है उसकी, और वो जोसेफ कॉनराड का थोड़ा थोड़ा जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है उसको इको करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए। यस, अ बेंड इन द रिवर, ठीक है, अ बेंड इन द रिवर। ये जो नॉवेल है इसकी सेटिंग क्या है, इसकी सेटिंग है अफ्रीका में, जिसमें एक सलीम नाम का मर्चेंट होता है। पोस्ट कॉलोनियल मिड 20th सेंचुरी की सेटिंग है अफ्रीका की, ठीक है। सलीम ये मर्चेंट का नाम होता है, और इसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला था, बुकर प्राइज मिला था 1979 में, और जब ये पब्लिश हुई थी। और इनको भी क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था वी एस नेपल को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दीज लाइंस आर फाउंड इन विच पोयम रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यूएस्ट, वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि ये किसमें, टेनिसन के किस वर्क में ये लाइन पूछी हुई है। चलो जल्दी से आंसर करो।
दीज लाइन्स आर फाउंड इन विच पोएम रिटन बाई अल्फ्रेड टेनिसन द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू इज वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड. वेरी गुड, ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है सबके, लॉ मोटेडी आर्थर. ठीक है, वेरी गुड. पोएट्री इज मोर फिलोसफिकल एंड ऑफ हायर वैल्यू देन हिस्ट्री वॉज सेड बाई अरिस्टोटल, टीएस इलियट, डब्ल्यू बी इट्स बैरन. जब मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ाया था तो उसमें पोएट्री के डिफिनेशन के अंदर ये डिफिनेशन बताई थी, तो अभी आपको बताना है, याद करिए और मुझे बताइए कि ये डिफिनेशन किसने कही है. पोएट्री इज मोर फिलोसफिकल एंड ऑफ हायर वैल्यू देन हिस्ट्री वॉज सेड बाई अरिस्टोटल, टीएस इलियट, डब्ल्यू बी इट्स बैरन. क्वेश्चन नंबर 13, 50 क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर करिए ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चंस करा सकूं. यस, वेरी गुड, अरिस्टोटल. ठीक है, अरिस्टोटल ने माना है कि पोएट्री इज मोर फिलोसफिकल एंड ऑफ हायर वैल्यू देन हिस्ट्री. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, हु रोट व्हेन अ पोएट्स माइंड इज परफेक्टली इक्विप्ड ऑफ इट्स वर्क इट इज कॉन्स्टेंटली एमलगमेटिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस. T.S. Eliot, F.R. Lewis, I.A. Richards, none of these. When a poet's mind is perfectly equipped of its work is constantly amalgamating human experience. T.S. Eliot, F.R. Lewis, I.A. Richards, none of these. And the correct answer is T.S. Eliot. Very good. T.S. Eliot is the correct one. T.S. Eliot. Who used pen name Michelangelo Titmars? Options: Charles Dickens, W.M. Thackeray, John Stuart Mill, Thomas Carlyle. Who used pen name Michelangelo Titmars? Charles Dickens, William Makepeace Thackeray, John Stuart Mill, Thomas Carlyle. तो विलियम मैकपीस थैकरे, इनका ही ये पेन नेम था. ठीक है, विलियम मैकपीस थैकरे का ये पेन नेम था एंड ही वॉज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, ऑथर एंड इलस्ट्रेटर. और ये अपने सटायर्स के लिए, सटरिकल वर्क्स के लिए जाने जाते हैं और इनका एक फेमस बहुत अच्छा सा वर्क है वैनिटी फेयर. ठीक है, वैनिटी फेयर बहुत ही अच्छा इनका वर्क है. ठीक है, और ये आया था आपका 1848 में आया था वैनिटी फेयर और ये मोस्ट इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस भी है विलियम मैकपीस थैकरे. ठीक है, नेक्स्ट. कोई बात नहीं मनीषा, ओके शावी, मैसेज करना मैं आपको बताती हूँ. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थ्रेनोडी? विक्ट्री सॉन्ग, मैरिज सॉन्ग, सॉन्ग संग एट डेथ, सॉन्ग संग एट बर्थ ऑफ सन. What is a threnody? Yes, threnody. Song sung at डेथ. ठीक है, एलेजी, थ्रेनोडी, मोनोडी इज सॉन्ग संग एट डेथ. क्लियर, डेथ सॉन्ग है. नेक्स्ट, इन विच बुक डिड फ्रेडरिक नीसे डिक्लेयर दैट गॉड इज डेड? ठीक है, द मॉडर्न ट्रेजेडी, द मिथ ऑफ सिसिफस, दस स्पेक जरथुस्ट्रा, नन ऑफ दीज. ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल पे है. ठीक है, फ्रेडरिक नीशे ने अपने किस वर्क में कहा है, ठीक है, कि गॉड इज डेड.
एक्सटेंशियलिज्म के लिए जाने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक फिलोसोफर थे। ठीक है, फिलोसोफर थे ये, और इसी के लिए ये जाने जाते हैं। यानी इनका मानना था कि मेंस की जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में ये बात करते हैं। एंड ही आल्सो क्वेश्चन अबाउट द बेसिक ऑफ गुड एंड इविल। ठीक है, ये किसके बारे में ज्यादा बात करते हैं? गुड एंड इविल के बेसिस के बारे में बात करते हैं। और इनका मानना है कि हेवन वॉज एन अनरियल प्लेस या फिर द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। इनका मानना है कि हेवन कोई रियल प्लेस नहीं है बल्कि वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है। और इनका ये भी मानना है, ठीक है, तो इनका ये जो मानना था गॉड इज डेड, ये इन्होंने कहा है दस स्पेक जरथुस्ट्रा में। ठीक है, दस स्पेक जरथुस्ट्रा में इन्होंने इस बात को कहा है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ चार्ल्स लैम्स फ्रेंड सेड लैम वॉज द मोस्ट डिलाइटफुल द मोस्ट प्रोवोकिंग एंड सेंसिबल ऑफ मेन। ही ऑलवेज मेड द बेस्ट फन एंड द बेस्ट रिमार्क्स इन द कोर्स ऑफ एवनिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है किसके बारे में, चार्ल्स लैम के बारे में ये अच्छी बातें किसने कही है? हैजलेट, कॉलरिज, बैकन, वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ चार्ल्स लैम्स फ्रेंड सेड लैम वॉज द मोस्ट डिलाइटफुल द मोस्ट प्रोवोकिंग एंड सेंसिबल ऑफ मेन। ही ऑलवेज मेड द बेस्ट पन एंड द बेस्ट रिमार्क्स इन द कोर्स ऑफ इवनिंग। तो सही आंसर यहाँ पे है हैजलिट। ठीक है, ये किसने कहा? ये हैजलिट ने कहा है। ठीक है, ये किसने कहा है? हैजलिट ने कहा है। कॉलरिज ने ये लाइन नहीं कही है। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों को कमेंट में लिखवा चुकी हूँ। लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ, इट डज नॉट कॉपी इट बट मोल्ड्स इट टू इट्स पर्पस। हु वॉज सेड बाय ऑस्कर वाइल्ड, एज्रा पाउंड, कॉलरिज, एरिस्टोटल। लिटरेचर ऑलवेज एंटिसिपेट्स लाइफ, इट डज नॉट कॉपी इट बट मोल्ड्स इट टू इट्स पर्पस। हु सेड दिस लाइन? ऑस्कर वाइल्ड, एज्रा पाउंड, कॉलरिज, एरिस्टोटल। कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चंस दोबारा से देख लेना। यस वेरी गुड, प्रदीप के क्वेश्चन आंसर्स काफी हद तक काफी सही जा रहे हैं। यस वेरी गुड ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट है, द सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज वर पॉपुलर ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी, द 17th एंड 18th सेंचुरी, द 19th एंड 20th सेंचुरी, नन ऑफ दीज। चलिए आप बताइए, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज वर पॉपुलर इन विच सेंचुरी। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको बताना है किस सेंचुरी में, किस सेंचुरीज में फॉलो सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी जो थी वो ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, लेंडिंग लाइब्रेरीज कहा जाता था इनको। तो ये किस में कब ज्यादा पॉपुलर थी? तो 18th एंड 19th सेंचुरी में। ठीक है, जब क्या हुआ था, जब नॉवेल्स जो थी वो कॉमन हो गई थी। नॉवेल्स क्या हो गई थी? कॉमन हो गई थी। नॉवेल्स की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गई थी लेकिन कॉस्ट इतनी ज्यादा होती थी कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया था, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो था वो डेवलप हुआ था। और इसमें क्या होता था सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी में, कि बुक को लेंड पर दिया जाता था, कुछ पैसा लेकर के उधार पे पढ़ने के लिए दिया जाता था। ठीक है, तो इसी ये 18th और 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुई थी। नेक्स्ट है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अकॉर्डिंग टू टीएस एलियट द टर्म ट्रेडिशन यूजुअली मींस समथिंग पॉजिटिव, समथिंग नेगेटिव, समथिंग हिस्टोरिकल, समथिंग ओल्ड।
चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो यहां पर देखो क्या है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट द टर्म ट्रेडिशन यूजुअली मींस। यस, समथिंग हिस्टोरिकल, ठीक है, समथिंग हिस्टोरिकल। उनका क्या मानना था कि ट्रेडिशन, वी कैन ऑब्टेन ट्रेडिशन बाय अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, ठीक है, पास्ट को हम समझ करके, फ्यूचर और पास्ट को मिक्स करके ही हम समझ सकते हैं ट्रेडिशन के बारे में, ठीक है, फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। और इसी के साथ साथ क्या हो, प्रेजेंट का जो सेंस है ना वो भी होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशन के बारे में उन्होंने कहा था। वैसे वो कुछ नेगेटिव भी सेंस में ले जाते हैं ट्रेडिशन को, लेकिन हिस्टोरिकल यहाँ पे सही आंसर होगा। द मिस्टेक ऑफ अ नाइट इज द सब टाइटल ऑफ द कॉन्शियस लवर द गुड नेचर मैन सी स्टूप टू कॉन्कर द राइवल। द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, द मिस्टेक ऑफ अ नाइट इज द सब टाइटल ऑफ सी स्टूप्स टू कॉन्क्वायर, ठीक है, सी स्टूप्स टू कॉन्क्वायर, वर्ल्ड स्मिथ का प्ले है ये, ठीक है, सी स्टूप टू कॉन्क्वायर, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ। तो यही आपका ये है, सी स्टूप्स टू कॉन्क्वायर। नेक्स्ट है, हैड वी बट वर्ड इनफ एंड टाइम दिस क्वाइनेस लेडी वर नो क्राइम। दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, टू हिच क्वाय मिस्ट्रेस से ये लाइन ली गई है एंड्रयू मार्वेल की, टू हिच क्वाय मिस्ट्रेस, और आपको बताना है ये किस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। हैड वी बट वर्ड इनफ एंड टाइम, अगर हमारे पास बहुत सारा टाइम होता, बहुत सारा वक्त होता, तो इस क्वाइनेस को दिखाना कोई क्राइम नहीं था, लेकिन अभी इस क्वायनेस को मत दिखाओ, अभी इस शर्म को मत दिखाओ, मेरे साथ आ जाओ। तो ये टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस की लाइन है, और आपको बताना है किसका एग्जाम्पल है, आयरनी, पैराडॉक्स, हाइपरबली, यूफेमिज्म। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, आयरनी का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, आयरनी का एग्जाम्पल है। ये दिखा रहा है कि वर्ड तो कभी होगा नहीं, अपने वो अपनी लवर को जो मिस्ट्रेस है उसको मनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। ओके, अ स्पेंसरियन स्टैंजा हैज 4 iambic pentameters, 6 iambic pentameters, 8 iambic pentameters, 10 iambic pentameters। अ स्पेंसरियन स्टैंजा हैज, स्पेंसरियन स्टैंजा वॉज इन्वेंटेड बाई स्पेंसर इन हिज फेरी क्वीन। तो यहां पर स्पेंसरियन स्टैंजा की बात करी गई है, ठीक है, तो यहां पर कितने होते हैं, 8 iambic pentameters होते हैं, ठीक है, 8 iambic pentameters होता है, और एक क्या होता है, एक अलेक्जेंड्राइन होती है, एन यानी हेक्सामीटर, एन अलेक्जेंड्राइन होती है। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं, तो राइमिंग स्कीम इसकी होती है ए बी ए बी बी सी बी सी एंड सी, ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। टर्म लोलार्स रेफर्स टू हूम, द फॉलोअर ऑफ जॉन वाइक्लिफ, द फॉलोअर्स ऑफ जॉन कॉल्विन, द फॉलोअर्स ऑफ पोप, द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। चलिए जल्दी से बताइए, लोलार्ड मूवमेंट हुआ था 14th सेंचुरी में,
ठीक है, जिसको लोलार्डिज्म जाना जाता है, प्रोटो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट था। मिड 14वीं सेंचुरी से स्टार्ट होकर के 16वीं सेंचुरी जो इंग्लिश रिफॉर्मेशन हुआ था, तो उसको वो जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेनरी फिफ्थ के टाइम पे हुआ था। और लोलार्ड्स कहा जाता है फॉलोअर ऑफ जॉन वाइक्लिफ के। ठीक है, जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है? लोलार्ड्स कहा जाता है। डच वर्ड है जिसका मतलब होता है मटर, यानी स्टाइल ऑफ वर्शिप, मटरिंग। ठीक है, लोलार्ड्स का मतलब होता है टू मटर, जो कि वर्शिप का एक तरीका है। स्क्रिप्चर्स को जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप मटरिंग करके पढ़ते हैं, लोलार्ड्स का यही मतलब होता है। और जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स को लोलार्ड्स कहा गया है। विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेस वॉज अ सोर्स फॉर द विंटर स्टे? इफिजेनिया एट एलिस, एल्सेस्टिस मीडिया, इफिजेनिया एट टॉरस। यूरिपिडीज के सारे ही प्लेज हैं जो आपके सामने यहाँ पे चारों प्लेज लिखे हुए हैं। ठीक है, ये यूरिपिडीज के प्लेज हैं। और यहाँ पर आप मुझे बताइए कि कौन सा जो है वो मैच करता है किससे? वो मैच करता है विंटर्स टेल की स्टोरी से। यूरिपिडीज का नाम आपने सुना है, यूरिपिडीज के सारे ही थे ये। तो यहाँ पर ध्यान देना, उनके कुछ प्लेज हैं जस्ट लाइक मच अडो अबाउट नथिंग, पैरिकल्स, द विंटर्स टेल। इसमें उन्होंने क्या किया है? इसमें उन्होंने डेथ से वापस आते हुए विमेंस को दिखाया। जैसे कि विंटर्स टेल में लास्ट में क्या होता है, जो हरमाइनी है उसका स्टैचू जो होता है वो जीवित हो जाता है। और ऐसा एल्सेस्टिस में है। ठीक है, ऐसा किसमें? एल्सेस्टिस में है, जहाँ पे जो मैन होता है, जो हीरो होता है, वो बहुत लैमेंट करता है, तभी उसको एक घूंघट वाली औरत मिलती है और वो अपना घूंघट उठाती है तो उसको उसकी खोई हुई पत्नी दिख जाती है जिसकी डेथ हो चुकी थी। तो एल्सेस्टिस में ऐसा ही था, ऐसा ही द विंटर्स टेल का भी एंड है। और इसी वजह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्सेस्टिस हो जाएगा। ठीक है, एल्सेस्टिस। जेम्स थॉमसन्स लॉन्ग पोएम, बहुत ही फेमस पोएम है, द सीजन्स, रिवाइज एंड एक्सपेंडेड ऑल हिज लाइफ, बिगेन इन द फर्स्ट इंस्टेंस एज अ पोएम इंटाइटल्ड स्प्रिंग समर विंटर ऑटम्स। एंड द करेक्ट आंसर इज विंटर। विंटर है इसका पहला। ठीक है, पहला क्या है? विंटर। द सीजन्स में पहला पार्ट विंटर है। नेक्स्ट है द जस्ट मैन जस्टिस, व्हाट काइंड ऑफ फोरग्राउंडिंग डू यू फाइंड इन द अबव लाइन? ये यूजीसी नेट 14 का क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटेटिक, सिमेनेटिक, कोलोकेशन, नन ऑफ द अबव। द जस्ट मैन जस्टिस। और ये जो लाइन है एक्चुअली द जस्ट मैन जस्टिस, अगर इसकी बात करें कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये भी आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल इसका आपको मिल जाएगा कि लाइन कहाँ से ली गई है। तो लाइन ये ली गई है द जस्ट मैन जस्टिस जो है हॉपकिंस, जी एम हॉपकिंस का नाम सुना है ना, जिन्होंने स्प्रंग राइम को बनाया था, टेल राइम जिसको बोलते हैं, उनका एक इनको उनकी एक पोयम थी एज किंग फिशर्स कैच फायर, एज किंग फिशर्स कैच फायर, हॉपकिंस की है, तो उसी की ये लाइन है। ठीक है, उसी की ये लाइन है। तो द जस्ट मैन जस्टिसेस, ये सिंटैक्टिक लाइन है, सेंटेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, सेंटेक्स, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कैसे कहां पर कौन सी चीजें लगानी है। सेंटेक्स क्या होता है? सेंटेक्स होता है स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, तो यहाँ पर ये किसको प्रूव कर रही है? ये सिंटैटिक प्रूव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमोंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स डिसर्न इन द सेलियन लिरिक एंड साइन ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, कौन सा इसमें से क्रिटिक था जिसने सली के लिरिक को क्या कहा है, डिसकर्न किया है? किस लिए डिसर्न किया है? क्योंकि उन्होंने कहा इसमें क्या है, एडोलेसेंस के साइन है, सेंसुअलिटी ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ऑप्शन है एफ आर लेविस, टी एस इलियट, क्लिनीथ ब्रुक्स, आई ए रिचर्ड्स। देखिए, जिनको नेट देना है उनके लिए तो बहुत जरूरी है, अगर आप नेट देने के लिए सोचते हैं तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा।
एंड द करेक्ट आंसर इज टिया सिलेट। टिया सिलेट ने सली को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है फॉर हिज एडोलसेंस। नेक्स्ट, थॉमस एंड हेनरिशा बाउलर्स एडिशन ऑफ द फैमिली शेक्सपियर, द फैमिली शेक्सपियर इज द वर्क ऑफ थॉमस एंड हेनरिशा बाउलर की। गिव रेस टू द वर्ड बॉर्डराइज, वॉट डज इट मीन। तो बॉर्डराइज जो वर्ड आया था इसमें द फैमिली शेक्सपियर से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, और इसकी मीनिंग क्या है। द एक्सपर्गेशन एक्सपर्जेशन ऑफ इनडेलिकेट लैंग्वेज, द मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्किक वोकेबुलरी, द इंसर्शन ऑफ बाउडी सॉन्ग्स, द एक्सपेंशन ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। थॉमस एंड हेनरिशा बॉलर्स एडिशन ऑफ द फैमिली शेक्सपियर गेव राइज टू द वर्ड बॉर्डराइज, वॉट डज इट मीन। बाउडी, वॉट डज इट मीन्स। धर्मेंद्र, स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यस, द एक्सपर्जेशन ऑफ इनडेलिकेट लैंग्वेज, ठीक है, ऑप्शन ए, वेरी गुड। इनडेलिकेट लैंग्वेज, बाउडी, बाउडराइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉस्ट जनरेशन टर्म्स क्वाइन बाय गर्ट्रूड स्टेन इज करेक्ट। लॉस्ट जनरेशन आपने पढ़ा हुआ है, गर्ट्रूड स्टेन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जर्मन ज्यूज हु सर्वाइव द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड वेंट टू इजराइल, द अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द आयरिश फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, द यूरोपियन लिविंग इन अमेरिका। ठीक है, द सन ऑल्सो राइजेस अगर आपको याद हो तो उसमें गर्ट्रूड स्टेन का द लॉस्ट जनरेशन, वी आर द लॉस्ट जनरेशन, ये फ्रेज यूज किया गया है, और यहां पर आपको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। यस, तो द लॉस्ट जनरेशन इज द फेमस टर्म गिवन बाय गर्ट्रूड स्टेन एंड यूज बाय द सन ऑल्सो राइजेस में इसको यूज किया है, और आपको बताना है सही आंसर, एंड सही आंसर यहां पे क्या है थोड़ा पढ़ के अच्छे से बताइए। द अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स इन यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सर्वाइवर थे उनके लिए यूज किया गया है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सर्वाइवर थे उनके लिए यूज किया गया था, द लॉस्ट जनरेशन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, नो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम इन द कॉन्टेक्स्ट टू फिल इन द सेंटेंस। कॉलेजेस कैन नॉट फिलिंग द ब्लैंक, यानी ब्लैंक स्पेस है, टू रैगिंग बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट, टर्न अ ब्लाइंड आई, लुक फॉरवर्ड, एड फ्यूल टू द फायर, लुक समवन इन द आई। वेरी इजी, ग्रामर पोर्शन यहां से स्टार्ट है, और ग्रामर पोर्शन में आप सब एंजॉय भी ज्यादा करते हो। यस, वेरी गुड, देखिए आंसर बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आना शुरू हो गए। धर्मेंद्र, मनीषा, जैनेन्द्र, रोशनी, गुड, विनी, कुलदीप, हनी, अंजलि, शोभा, प्रदीप, अर्जुन, गुड। टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है, आंख बंद कर लेना, तो रैगिंग एक्ट है, एंटी रैगिंग एक्ट, जिसकी वजह से रैगिंग को वो टर्न अ ब्लाइंड आई नहीं कर सकते। वेरी गुड, चलिए आंसर आना बिल्कुल शुरू हो गए, अब आप लोग के ऐसे ही आंसर आएंगे, आई नो। Select the most appropriate synonym of the word given in the brackets to fill in the blanks. Doing adventure sports is banned for athletes as it can be blank space. Perilous. आपको perilous का क्या बताना है? Synonym बताना है। चलिए बहुत easy easy आपके लिए सारे। अब एकदम easy. Doing adventure sports is banned for athletes as it can be perilous. ठीक है?
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक. डूइंग एडवेंचर स्पोर्ट्स इज बैंड फॉर एथलीट्स एज इट कैन बी पेरिलियस. देखो पेरिलियस का मतलब क्या होता है, पेरिलियस का मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर, डेंजर से भरा हुआ. ठीक है, या फिर रिस्क से भरा हुआ. तो यहां पर इसका सिनोनिम क्या होगा, यहां पर इसका सिनोनिम आपका ट्रेचरस हो सकता है, ये क्योंकि ये तीनों तो नहीं होंगे, तो ट्रेचरस थोड़ा थोड़ा मिक्स हो सकता है, क्योंकि ट्रेचरस भी कहीं ना कहीं क्या होता है, हार्मफुल होता है. तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे जा सकता है. ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपको मैच कर सकता है. सेकेंड है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड इट्स बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. He said it's been raining since last night. He said that it is raining since last night. It had rained since last night. It had been raining since last night. Since the la night before, he said that it had been raining since yesterday. He said that it had been raining since the night before. देखिए यहां पर आपको बताना है मिस्टेक. आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट फॉर देम. नो एरर, एरर आपको बताना है. फाइंड आउट द एरर अगर है या नहीं है. आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग इन अ गिफ्ट फॉर देम. नो एरर. कहां पर एरर है? क्या होगा फिर, सही क्या होगा? देखो अगर डिसाइडिंग इन ना, यहां नहीं होगा. ठीक है, एक तो होता है डिसाइडेड, डिसाइड टू, एक होता है डिसाइड ऑन. ठीक है, डिसाइड ऑन तब होता है जब आईएनजी फॉर्म की वर्ब उसको फॉलो कर रही हो. ठीक है, जैसे डिसाइड ऑन डूइंग समथिंग. ठीक है, डिसाइड ऑन डूइंग समथिंग ये हो सकता है, या फिर यहाँ पर डिसाइडिंग ऑन है. ठीक है, डिसाइडिंग ऑन, तो डिसाइडिंग ऑन का भी मतलब क्या होता है, टू चूज समथिंग आफ्टर थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल चॉइसेस. यानी ये कि आपका फ्रेजल वर्ब हो जाएगा डिसाइडिंग ऑन अगर हम कर देंगे तो. डिसाइडिंग ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, डिसाइडिंग ऑन का मतलब हो जाएगा कि कोई चीज अगर मैं कहते हैं ना, आई एम हैविंग ट्रबल डिसाइडिंग ऑन अ गिफ्ट फॉर देम. मैं उसके लिए गिफ्ट को कलेक्ट करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो डिसाइडिंग ऑन वहां पर होगा जब आपको कोई चीज सोच करके चूज करनी हो. ठीक है, डिसाइड टू वहां होगा जहां पर आईएनजी नहीं होगी, जैसे कि डिसाइड टू डू समथिंग. यहां पर एक मैं लिखूं डिसाइड टू डू समथिंग. ठीक है, एक तो ये हो जाएगा डिसाइड टू डू समथिंग, एक क्या हो जाएगा डिसाइड ऑन डूइंग समथिंग. तो यहाँ आईएनजी की वजह से यहाँ पे ऑन आया, ध्यान देना. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन इट टेक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ.
36 में देखो, व्हेन ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन इट टेक जोसेफ सम टाइम टू गेट ऑफ। टेक, यस वेरी गुड, टुक, गुड, इट टुक, गुड। यहां पर क्या है, ईडी लगाए सेकेंड, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल। अलॉन्ग विथ मीन्स ऑफ रोप लैडर दे स्केल्ड द वॉल। इन मीन्स ऑफ रोप लैडर दे स्केल्ड द वॉल। ऑफ मीन्स ऑफ रोप लैडर दे स्केल्ड द वॉल। तो यहां पर देखो, ऑफ मीन्स नहीं हो सकता, इन मीन्स नहीं हो सकता, अलोंग विथ मीन्स भी नहीं होगा, बाय मीन्स, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वूबली। वूबली वूबली, वुश वाला वूबली है, तो यहां पर आपको वूबली का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, अनसर्टेन, रिकनसाइल, कंसीव्ड, सेंग्विन। तो देखो, वूबली, वूबली का मतलब क्या होता है, अगर आपको मीनिंग पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। वूबली का मतलब होता है अनसर्टेन, यानी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, दो ओपिनियन है, तो कभी आप सोच रहे इधर जाए और कभी आप सोच रहे इधर जाए, दोनों में पेंडुलम की तरह आप इधर से इधर पेंडुलम की तरह झूल रहे हो, दैट इज वूबली, यानी अनसर्टेन, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, अनसर्टेन, ये इसका सही मीनिंग हुआ। रिकनसाइल, ठीक है, रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए अगर आप एग्री हो रहे हो, फिर से साथ हो जा रहे हो। कंसीव, समझ जाना किसी चीज को, इमेजिन कर लेना किसी चीज को। सैंग्विन क्या होता है, किसी के कैरेक्टर के बारे में अगर कोई पॉजिटिव है, गुड थिंग्स के बारे में हमेशा सोचता है, दैट इज सैंग्विन। देयर आर फोर सेंटेंसेस आउट ऑफ वन इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कॉन्टेक्स्टुअली इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट आपको बताना है। चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्स्टुअली इनकरेक्ट। यानी चार ऑप्शन है जिसमें से एक गलत है, आपको गलत वाला ऑप्शन चूज करना है। यहीं पे कभी कभी क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है, इनकरेक्ट पे ध्यान नहीं देते और करेक्ट हम लोग चूज कर लेते हैं, लेकिन करेक्ट नहीं करना है यहाँ पे, इनकरेक्ट चूज करना है। राहुल सेड दैट ही वुड स्टार्ट गोइंग टू ऑफिस फ्रॉम द नेक्स्ट डे। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर अंकित विल बी इन मुंबई। वॉट विल हैपन टू योर फैमिली इफ यू कंटिन्यू टू स्प्लर्ज मनी लाइक दिस। ऑक्यूपेशन मीन्स द वर्क और जॉब पीपल डू इन अर्निंग मनी। एंड द करेक्ट है आपका ए, ये सही है, कोई गलती नहीं है, बी इसमें भी कोई गलती नहीं है, सी इसमें भी कोई गलती नहीं है, डी वाले ऑप्शन में देखो, ऑक्यूपेशन मीन्स द वर्क और जॉब पीपल डू इन अर्निंग मनी, नहीं पीपल डू टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, ठीक है, पैसा कमाने के लिए जो करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन और जॉब। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोजैक। कन्वेंशनल, यूनिक, एडॉर्न्ड, डिटेल्ड। प्रोजैक सिनोनिम बताना है। प्रोजैक का मतलब होता है ऑर्डिनरी कोई चीज हो जो कुछ नई नहीं हो, ठीक है, या अनयूजुअल ना हो, जो मतलब क्या हो, यूजुअल हो, जो जैसी होती आ रही है वैसी चीजें हैं। तो यहाँ पे सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा। एडॉर्न का मतलब होता है डेकोरेटेड, तो वो हो नहीं सकता, यूनिक भी नहीं है, डिटेल भी नहीं है, कन्वेंशनल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाई हैव यू कम सो अर्ली टूडे, द कोच आस्क द एथलीट्स। पहला ऑप्शन है, द कोच आस्क द एथलीट व्हाई ही केम सो अर्ली दैट डे। सेकेंड है, द कोच आस्क द एथलीट वाई ही हैड कम सो अर्ली दैट डे। थर्ड है, द कोच आस्क द एथलीट वाई हैड ही कम सो अर्ली दैट डे। फोर्थ है, द कोच आस्क द एथलीट वाई डिड ही कम सो अर्ली दैट डे टूडे।
एंड यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है, व्हाई हैव यू कम सो अर्ली टूडे, द कोच आस्क द एथलीट, द कोच आस्क द एथलीट व्हाई ही हैड कम सो अर्ली दैट डे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका ही हैड कम सो अर्ली दैट डे सही हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। द पैसेंजर सेज टू द रेलवे क्लर्क, इज द ट्रेन लेट? द पैसेंजर हैज आस्क्ड द रेलवे क्लर्क वेदर द ट्रेन इज लेट। द पैसेंजर आस्क द रेलवे क्लर्क वॉज द ट्रेन लेट। द पैसेंजर आस्क द रेलवे क्लर्क वॉज द ट्रेन लेट। द पैसेंजर आस्क द रेलवे क्लर्क इफ द ट्रेन इज लेट एंड द करेक्ट वन इज द पैसेंजर आस्क द रेलवे क्लर्क इफ द ट्रेन इज लेट सेज। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्लैक। स्लैक का आपको बताना है सिनोनिम। चलिए स्लैक ऑप्शंस हैं, केयरलेस, कीन, लाइवली, एक्टिव। स्लैक का मतलब होता है इनएक्टिविटी में रहना, ठीक है, इनएक्टिविटी के अंदर रहना, लेजीनेस होना, केयरलेस होना। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, केयरलेस। ओके, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बिल्कुल इजी है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज फॉरेन, ये सही है, बाकी एडिशन, फॉरवर्ड, इन्फ्लुएंस गलत है। ओके, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिलिप। फ्लिप, नॉक, ब्लो, बूस्ट। फ्लिपकार्ट वाला फ्लिप नहीं, फिलिप। एंड द क्वेश्चन नंबर 45, फिलिप का मतलब होता है समथिंग स्टिमुलेट, ठीक है, जो बूस्ट कर दे, बूस्ट योर एनर्जी, समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड फिलिप, नॉट फ्लिप, फिलिप। ठीक है, बूस्ट योर एनर्जी, बूस्ट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, अलॉट ऑन योर प्लेट, हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैविंग अ लार्ज मील, हैविंग वेल्थ इन अबंडेंस, हैविंग समथिंग विच कॉजेस। विच कॉजेस एनवी, ठीक है, हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हैविंग अ लार्ज मील, हैविंग वेल्थ इन अबंडेंस, हैविंग समथिंग विच कॉजेस एनवी। यस, द करेक्ट वन इज हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलॉट इन योर प्लेट्स का मतलब, ऑन योर प्लेट्स का मतलब है आपके पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना। एंटोनिम ऑफ नेसेंट, नेसेंट का आपको एंटोनिम बताना है, एडल्ट, राइप, इथिकल, स्टैटिक। नेसेंट, ठीक है, नेसेंट का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग, किसी चीज की स्टार्टिंग, जैसे कोई आपने प्रोजेक्ट शुरू किया हो, ठीक है, तो दैट इज बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, जो अभी फुली डेवलप्ड ना हो, नॉट
फुली डेवलप्ड। तो यहां पर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट। डिफेंडेंट्स लॉयर आर्ग्यूड दैट हिज पास्ट ऑफेंस वर ब्लैंक स्पेस टू दिस केस, कॉन्टेजियस, स्पेसियस, एरोगेंट, इररिलेवेंट। क्या भर सकते हैं इसके अंदर? ये फोर मीनिंग्स है और इसके अंदर हम क्या भर सकते हैं? द डिफेंडेंट्स लॉयर आर्ग्यूड दैट हिज फर्स्ट ऑफेंस वर ब्लैंक स्पेस टू दिस केस, यानी उसने पहले जो किया है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई लेना देना नहीं है तो इरिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, इरिलेवेंट यानी अभी क्या है ये, इसकी इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है, इरिलेवेंट है। सिनोनिम ऑफ द ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव आपको सिनोनिम बताना है। ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव का मतलब यहां पर आपको बताना है परवेजिव, एक्सक्लूसिव, प्रोमिनेंट, मोडेस्ट। देखो ऐसे तो ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है जो कि नोटिसेबल हो, जो अच्छा नहीं भी लग रहा है फिर भी नोटिसेबल है, पसंद नहीं है, अनोइंग है, लेकिन फिर भी आपको नोटिसेबल है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे प्रोमिनेंट जा रहा है। वैसे तो आपका अगर हम देखा जाए तो ठीक है, सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स्पिशियस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है नहीं तो इस वजह से प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, दस ब्लैंक स्पेस ऑफ दियर पर्पज द थ्री नाइट्स ट्राइड अनदर प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस ब्लैंक स्पेस ऑफ देयर पर्पस द थ्री नाइट्स ट्राइड अनदर प्लान। इजी सा है। देखो यहां पर फेल्ड तो नहीं होगा, ठीक है, फाइल्ड होगा। फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल्ड का मतलब होता है टू प्रिवेंट समबडी फॉर फ्रॉम सक्सीडिंग विद अ प्लान, या फिर टू प्रिवेंट अ प्लान फॉर फ्रॉम सक्सीडिंग। अगर आपने कोई योजना बनाई है ठीक है, और उसके बाद उस योजना को आप क्या कर दे, कैंसिल कर दे, ठीक है, उस योजना को आप क्या करें, कैंसिल कर दे, तो वो हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फाइल्ड। ठीक है, टू प्रिवेंट या कैंसिल अ प्लान फ्रॉम सक्सीडिंग, पूरा होने से पहले योजना को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। दस फाइल्ड ऑफ दियर पर्पज, उनकी योजना जो थी कैंसिल हो गई और उन्होंने क्या किया, दूसरा प्लान स्टार्ट किया। दिस इज द लास्ट वन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। सिनोनिम ऑफ सजेसियस, सजेसियस का आपको सिनोनिम बताना है यहां पर। चलिए बता दीजिए क्या होगा सिनोनिम, सजेसियस का आपको सिनोनिम बताना है। सजेसियस, डल, प्रोफाउंड, कीन, इंटेलिजेंट। देखो सजेसियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, गुड जजमेंट वाला इंसान, यानी क्या हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, समझने की क्षमता अच्छी हो। किसके अंदर समझने की क्षमता अच्छी होगी? जो वाइज होगा, बुद्धिमान होगा, यानी इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट इज द करेक्ट आंसर, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस इज द करेक्ट आंसर। और ये आपकी 51 क्वेश्चन की सीरीज थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से रिवीजन पर रखना,
तो चीजें जो गलत हुई हैं वो सही हो जाएंगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं सही करवा करके आपको दे दूंगी। कोई बात नहीं नीलम, आप बाद में आराम से देख लेना। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और क्लास को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो, मुझे अच्छा लगता है। इतनी मेहनत मैं करती हूँ तो थोड़ा सा लाइक तो बनता है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यस, 51 कंप्लीट है, शुभ संख्या है आप लोगों के लिए। तो गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।